बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रेप क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 का एक टॉपिक किया था, प्रोडक्शन ऑफ हीट। और उस टॉपिक पे हमने ये सीखा था कि हीट किन तरीकों की वजह से प्रोड्यूस होती है। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, and that is about effects of heat। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट। और आज की क्लास में आप ये सीखेंगे कि हीट का चीज़ों पर क्या इफ़ेक्ट होता है। चीज़ों को जब गर्म किया जाता है तो उन पर किस तरह का इफ़ेक्ट होता है, किस तरह का असर होता है। इसकी एग्ज़ाम्पल हम इस तरह से ले सकते हैं कि when you heat up the ice, आप जब आइस को गर्म करें, आइस जो है वो सॉलिड होता है, और जब इस सॉलिड आइस को आप हीट दें, गर्म करेंगे, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आइस आहिस्ता आहिस्ता से मेल्ट होना शुरू हो गई है, पिघलना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है ना, वो पिघलती है और पिघलने के बाद, मेल्ट होने के बाद लिक्विड यानी वाटर बन जाती है। यानी कि हीट करने के बाद, गर्म करने के बाद उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ कि आइस चेंज इनटू लिक्विड। अच्छा, अब इस लिक्विड को, इस वाटर को जब दोबारा से आप गर्म करते हैं, दोबारा हीट देंगे, तो क्या होगा, इट चेंज इनटू गैस। इसका मतलब कि जब आपने हीट की दीस को गर्म किया, तो जो पहले सॉलिड था, आइस था, वो क्या हुआ, गर्म करने के बाद वाटर बन गया, पानी बन गया। और जब इस पानी को मज़ीद आप गर्म करेंगे, दोबारा से मज़ीद हीट प्रोवाइड करेंगे, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, बबल्स बनना शुरू हो जाएगा, वाटर वेपर्स बन जाएगा, यानी गैस बनकर हवा में चला जाएगा। इसको एक दफ़ा से रिपीट कर लेते हैं। किस तरह से, सॉलिड आइस, इसको आपने हीट दी, इट चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड को गर्म किया, इट चेंज इनटू गैस। जब भी ये जो गैस होती है ना गर्म करने पर लिक्विड की, वो इस तरह स्टीम बनकर नज़र आती है, स्टीम की फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये जो स्टीम है, दैट इज़ अ गैस। और ये कब बनती है, जब आप लिक्विड को बहुत ज़्यादा हीट देते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, ठीक है, तब ये स्टीम बनती है और ये उड़ना शुरू हो जाती है, हवा में शामिल हो जाती है। और ये स्टीम क्या है, ये एक गैस है। तो ये हीट का इफ़ेक्ट है जो कि नज़र आता है आपको, चीज़ों को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो इस तरह से अपनी फॉर्म चेंज कर लेता है, अपनी शक्ल चेंज कर लेता है। पहले वो सॉलिड था, फिर वो लिक्विड बना, और लिक्विड को हीट मज़ीद देने पर वो गैस बन गया। देन दैट इज़ द एक्चुअली द इफ़ेक्ट ऑफ हीट। और इसको आप मज़ीद चीज़ों पर भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आपने आइसक्रीम तो बहुत दफ़ा खाई होगी, आप आइसक्रीम पर इसे ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। हेयर इज़ एन एक्टिविटी, एक्टिविटी 6 इन योर बुक। और एक्टिविटी क्या है, यू हैव टू ऑब्ज़र्व द आइसक्रीम। आपने ये करना है कि आइसक्रीम को ऑब्ज़र्व करना है। आप आइसक्रीम लें और आप कुछ देर तक उसे मत खाएं और उसे वैसे ही देखें, तो आप देखेंगे कि आजकल वैसे भी गर्मियों की वजह से क्या होगा, उसे जो हीट मिलेगी ना इर्द गिर्द से, वो आइसक्रीम मेल्ट होगी। और आप अगर कुछ देर तक नहीं खाएंगे, वो सारी मेल्ट हो सकती है। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी बुक में है ना, एक्टिविटी 6, उन्होंने पूछा हुआ है, विच पिक्चर इज़ शोइंग द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन आइसक्रीम, मार्क टिक। आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, फर्स्ट पिक्चर इज़ दिस एंड सेकेंड पिक्चर इज़ दिस। अब इन दोनों पिक्चर्स को देखकर आपने ये बताना है कि इन दोनों पिक्चर्स में से किस पिक्चर में आइसक्रीम जो है वो उस पर इफ़ेक्ट ऑफ हीट नज़र आ रहा है, यानी कि वो मेल्ट होती नज़र आ रही है। तो ऑब्वियसली कौन सी वाली पिक्चर है, वेरी गुड, सेकेंड पिक्चर। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, विथ पेंसिल आपने इसे टिक कर लेना है। इसी पेज पर एक और एक्टिविटी देखिए, एक्टिविटी 7। अब इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, ख़ुद से करनी है। आपने क्या करना है, बहुत इजी एक्टिविटी है, आपको मज़ा भी आएगा और आप इफ़ेक्ट ऑफ हीट भी देख सकेंगे। आपने दो कैंडल्स लेनी है, ठीक है, और इनमें से आपने ना एक कैंडल को जला लेना है, दूसरी कैंडल को आपने जलाना नहीं है। अब आपने
कुछ देर तक इन्हें ऑब्ज़र्व करना है। आप ऑब्ज़र्व करने के बाद जो है क्या देखेंगे कि जो कैंडल तो जला नहीं जली हुई, सेकंड वाली जिसे आपने जलाया ही नहीं, तो जब जलाया ही नहीं इसको हीट ही नहीं मिली और इसकी वजह से ना ये कैंडल पे कोई इफ़ेक्ट भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि हीट ही नहीं मिली थी। लेकिन जिस कैंडल को आपने जलाया था उस पर एक इफ़ेक्ट आपको फील होगा, आप इफ़ेक्ट उसका देखेंगे। और क्या इफ़ेक्ट होगा हीट का, कि वो कैंडल टाइम टू टाइम थोड़ी थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो उसका साइज़ आपको ना पहले से छोटा नज़र आएगा। यानी पहले वो कैंडल थी इतनी बड़ी, ठीक है, और कुछ देर के बाद वो जलती रही कुछ देर के बाद वो कैंडल इतनी हो गई, उसका साइज़ पहले से छोटा हो गया। उसके बाद मज़ीद जलाया वो और छोटा हो गया, मज़ीद जलाया और वो फिर बहुत छोटा रह गया। तो हीट मिलने की वजह से जो कैंडल का साइज़ था वो छोटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो कैंडल की का सॉलिड हिस्सा है ना, ये वाली, ये मेल्ट होती है हीट मिलने की वजह से। और जब ये मेल्ट होती है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कैंडल का साइज़ भी छोटा होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ हीट। ये हीट की वजह से, ये हीट का असर था, गर्मी थी, उससे इतनी हीट मिली कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसका साइज़ छोटा हो गया क्योंकि उसकी वैक्स जो थी वो मेल्ट हो रही थी। सो आई होप आपको इफ़ेक्ट ऑफ हीट की समझ आ गई होगी। नाउ वी विल टॉक अबाउट यूजेज ऑफ हीट। अभी हमने इफ़ेक्ट देखे थे हीट के, क्या इफ़ेक्ट हुआ, अब हम देखते हैं यूजेज क्या है हीट का, क्या कोई हमारी ज़िंदगी में इस्तेमाल भी है या नहीं है। सो स्टूडेंट्स, हीट का हमारी ज़िंदगी में ना बहुत इस्तेमाल है। हम इसका यूज़ करते हैं अपने किचन में, सबसे पहले तो कुकिंग के लिए हम खाना पकाते हैं हीट की वजह से। इसी तरह से वी बॉयल वाटर, हम पानी को बॉयल करते हैं, पानी जब उबालते हैं गर्म करते हैं उसके पीछे भी क्या है, हीट है, हीट की वजह से ही होता है। देन हम कपड़ों को आयरन करते हैं, हम कपड़े प्रेस करते हैं, उसकी वजह क्या है, आयरन जब गर्म होती है इलेक्ट्रिसिटी मिलने की वजह से, तो उस हीट की वजह से हमारे कपड़े प्रेस हो जाते हैं ना। सो हम कपड़ों को प्रेस करने के लिए भी हीट ही का यूज़ कर रहे होते हैं। और अनदर एग्जांपल इज़ द हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, गैस हीटर, व्हाटएवर, जो भी हीटर हैं सर्दियों में आप यूज़ करते हैं। और इसका यूज़ क्या है कि इस की वजह से, इन हीटर से जो हीट निकलती है उस हीट की वजह से आप सर्दी से बच सकते हैं और ख़ुद को गर्म रख सकते हैं। इसी तरह से हीट का एक और यूज़ है फैक्ट्रीज़ के अंदर। फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे कामों को करने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। अनदर एग्जांपल इज़ द यूज़ ऑफ हीट इन द पावर स्टेशन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। पावर स्टेशंस में बिजली पैदा करने के लिए भी हीट का इस्तेमाल किया जाता है। और स्टीम इंजन को चलाने के लिए भी हीट की ज़रूरत होती है। सो दीज आर सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ हीट। आई होप आपको इफ़ेक्ट ऑफ हीट की भी समझ आ गई है और यूजेज ऑफ हीट की भी समझ आ गई है। सो अब आपने क्या करना है, हेयर इज़ अ पेज इन योर बुक, पेज नंबर इज़ 129। आपने इस बुक के इस पेज को बहुत अच्छे से रीड करना है, इस पर तमाम यूजेस लिखे हुए, अपनी रीडिंग आपने इम्प्रूव करनी है, इसको अच्छे से ख़ुद से रीड करने की आपने कोशिश करनी है। सो आज की डायरी जो है आपकी वो यही है कि रीडिंग ऑफ पेज 129, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और आपने बहुत अच्छे से इनके पॉइंट्स को भी समझना है और रीडिंग को भी इम्प्रूव करना है। आई होप आज का लेसन आपको समझ आ गया। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।